आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको कि जो आपका 3 स्पीड का कूलर का सर्किट डायग्राम होता है उसको कैसे बनाते हैं, उसका सर्किट डायग्राम या फिर उसका वायरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपका इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है उसको समझते हैं। ये आपका स्विंग मोटर, ये आपका फैन मोटर, ये पंप मोटर। जो आपका फैन मोटर होता है उसके अंदर से टोटल 4 वायर निकलते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका चारों वायर होता है उसका कुछ कार्य प्रणाली होता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपका ये नीला वायर होता है जो सबसे नीचे होता है, ये आपका न्यूट्रल वाली सप्लाई होती है। और इसके बाद से आपका काला होता है, ठीक है, काला कर सकते हैं या ऊपर से आप कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काला आपका हाई स्पीड वायर होता है और ये आपका सफेद जो आपका मीडियम स्पीड वायर होता है और ये आपका लाल जो आपका लो स्पीड वायर होता है, लो मीडियम और हाई इस तरीके से आपका जाता है और नीचे वाला आपका न्यूट्रल होता है। तो कलर के हिसाब से आप लोग इसका करेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपका जो स्विच लगता है ये आपका रोटरी स्विच होता है और रोटरी स्विच के अंदर 4 पोल 1 कॉमन का होता है, 4 पोल 1 कॉमन यानी आपके चारों पोल है और यह पॉइंट आपका कॉमन है। कॉमन जिस पॉइंट से टच करेगा उसके हिसाब से आपका फैन मोटर चलेगा। ये जो 2 है ये हुक है ताकि आप उसमें स्क्रू डाल करके उसको कस सकते हैं। और एक आपका रोटरी स्विच लग जाता है जो 2 पोल 1 कॉमन का होता है। फैन मोटर और स्विंग मोटर के लिए एक एक रोटरी और भी लग जाते हैं। टोटल 3 रोटरी आपके लगे होते हैं कूलर के अंदर, 1 पॉइंट कॉमन और 2 पॉइंट इस तरीके से हो जाते हैं। अब इसका वायरिंग कैसे होता है इसको समझने की जरूरत है। बहुत आसान वायरिंग होता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। सबसे पहले न्यूट्रल सप्लाई स्विंग मोटर और स्विंग मोटर से निकल कर चला जाएगा फैन मोटर। यहां दिखा दे रहा हूं, यानी ये वायर आपका न्यूट्रल वाला है और यही से आपका सप्लाई निकल के चला जाएगा पंप मोटर को। यानी पंप मोटर, फैन मोटर और आपका स्विंग मोटर पे न्यूट्रल सप्लाई चली जाती है। फेस सप्लाई को हम देते हैं रोटरी के कॉमन पॉइंट पे और यही चीज इस रोटरी के कॉमन पे और यही चीज इस रोटरी के कॉमन पे। अब दरअसल होता क्या है कि जो स्विंग मोटर है, पंप मोटर है, स्विंग मोटर और पंप मोटर के लिए मैंने ये लगा रखा है, यहाँ पे है आपका ऑन और यहाँ पे है ऑफ, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है ऑन और यह आपका होता है ऑफ, यह आपका होता है ऑफ, फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड और थर्ड स्पीड, ठीक है, इस तरीके का आपका होता है। या फिर इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको बनाना है फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड और थर्ड स्पीड, जिधर से आपकी इच्छा उधर से सप्लाई को दे सकते हैं। अब जो है कैसे इसका कनेक्शन होगा, इस रोटरी स्विच से निकाल करके आपको कनेक्शन दे देंगे स्विंग मोटर को और यहां से निकाल कर दे देंगे पंप मोटर को और यहां से निकाल कर दे देंगे सिंगल स्पीड यानी लो वायर को, यहां से मीडियम स्पीड और यहां से आपका 3 स्पीड। इस तरीके से आप रोटरी स्विच को जिस स्पीड में घुमाएंगे, नंबर 1 पर घुमाएंगे तो नंबर 1 से फेस निकल करके इस पर जाएगा, लाल वायर पे तो आपका फैन मोटर सिंगल स्पीड में चलना चालू हो जाएगा। अगर रोटरी स्विच को दूसरे पर घुमाएंगे तो सेकेंड वायर पे टच होगा, फेस आपकी वायर सेकेंड पे जाएगी तो आपका पंप फैन मोटर मीडियम स्पीड में चलना चालू हो जाएगा। अगर वही स्विच को आप तीसरे नंबर पे घुमाएंगे तो हाई स्पीड में जाएगा, आपका फैन मोटर हाई स्पीड में चलना चालू कर देगा। तो इस प्रकार से फैन मोटर का कनेक्शन करते हैं। पंप मोटर में न्यूट्रल आया है, इसको फेस चाहिए, आप अपने स्विच को जैसे घुमाएंगे इस पर तो ये आपका ऑन हो जाएगा, पंप मोटर चलना चालू हो जाएगा। अगर इसी को आप इस पर घुमा देंगे तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। और आप जिधर चाहते हैं आप उधर बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं कि आप इसी पर ऑन रखेंगे इसी पर ऑफ रखेंगे। दूसरी चीज आपका सेम इसी प्रकार से ये भी आपका होता है स्विंग मोटर का स्विच, आप जैसे इसको इस पर घुमाएंगे सप्लाई ऑन होगी, ठीक है। मैं इस पर करता हूँ, ऑफ वाले पे कनेक्शन कर दिया गया है इस पर, तो इस पर आपका क्या होगा ऑन होगा, इस पर आपका ऑफ हो जाएगा। अगर आप इस पर ऑफ वाले पे घुमा देंगे तो आपका ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से कनेक्शन आपका 3 स्पीड कूलर सर्किट डायग्राम का होता है।